देखो बच्चों, अब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, और ये कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लिया मैंने, क्या होता है देखो, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z है 3 + 4 iota। ठीक है, अब देखो इसको हम 3, 4 भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर पहले भी कई बार आ चुका है, मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फर्स्ट पे रहेगा, ये सेकंड पे रहेगा, ना? ये स्टार्टिंग में डिलेशन फंक्शन टॉपिक में भी ये शब्द आया था। ठीक है, देखो अब जैसे क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वही ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में एक प्लेन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी एक प्लेन बनाते हैं और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, या आर्गन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन भी कहते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ये 3, 4 है, अब जैसे क्या होता है कोऑर्डिनेट में हम इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते थे, यहां पर इसको कहेंगे रियल एक्सिस, है ना, और इसको कहेंगे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस, ध्यान दो, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग रियल एक्सिस कहेंगे और इसे कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, जबकि कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहा करते थे, ध्यान दो। देखो जैसे ये 3, 4 है, तो देखो 3 डिस्टेंस पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे 1, 2, 3, 4 भी पॉजिटिव तो ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, 4। देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z1 है, तो ये z1 हो गया 3, 4, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा देखो z1 आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर z1 कहेंगे इस पॉइंट को, लेकिन अगर हम ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दें तो इस वेक्टर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर z1 कहेंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो दो प्रॉपर्टी हैं, वो एक पॉइंट भी है और वो एक वेक्टर भी है, है? जैसे ये है z1, तो ये पॉइंट z1 है और ये हो गया वेक्टर z1, तो नहीं हमारे z1 है। जैसे मान लो अगर मैं ले लूं z2 -3 - iota, ठीक है, देखो अब इसमें क्या हुआ, ये हो गया -3 और ये हो गया -1 ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, देखो तीन लाइंस का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखो अब जैसे हमें क्या करना है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है इसका मतलब हमें 3 डिस्टेंस पीछे चलना होगा लेफ्ट में, है ना। रियल एक्सिस पर क्या होता है, अगर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। इमेजिनरी एक्सिस पर क्या होता है, अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ध्यान दो। देखो अब -1 का मतलब देखो यहाँ नीचे आ रहा है, तो देखो ये पॉइंट हमारा हो गया z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, दोनों नेगेटिव, आपको याद है ना हम लोग क्या करते थे कोऑर्डिनेट में, ये होता था ++, ये होता था -+, ये होता है -, और ये क्या होता है बोलो +-, ध्यान दो। तो देखो ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ओरिजिन से इसको मिला दें तो ये वेक्टर भी z2 हो गया, ध्यान दो, है ना। इसी प्रकार हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 और ये है फॉर एग्जांपल 2 iota, तो वो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 2 iota, और ऑर्डर्ड पेयर में इसको 0, 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो 0, 2 पॉइंट कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है। देखो जैसे कई बार गलती से मैं इसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भूल जाऊंगा गलती से, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब वही है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में सारी चीजों को करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। इसे हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, बिल्कुल हम कोऑर्डिनेट की तरह यहाँ पर चल सकते हैं। तो देखो जैसे 0, 2, तो 0, 2 का मतलब एक्स वाला 0 है, वाई वाला 2 है, तो वाई एक्सिस पर ऊपर गए, देखो 2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z3, है ना, और अगर हम ओरिजिन से इसको मिला दें तो देखो ये हमारा हो गया वेक्टर z3, है ना, क्योंकि देखो अगर एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 है, है ना, वाई वाला पॉजिटिव है, तो पॉइंट वाई एक्सिस पर ऊपर होगा,
और अगर x जीरो है, y नेगेटिव है, तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट पर नीचे होगा, है ना। अगर y जीरो होता तो ये फिर रियल एक्सिस पर होता, है ना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, है ना, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।